So coming back to what was I? आप सब भुला देते हो मेरा point. So now it's more easier to do. It's a very important thing. Now what is very important? जब हम waste में जाते दो इम्पोर्टेंट चीज अगेन समझाती हूँ अगेन कि एक तो लेट अस से तब याहू बहुत पॉपुलर था. पीपल डिड नॉट नो गूगल गूगल था ही नहीं. याहू यानी शम्मी कपूर को मैंने कहा सक्षम ही क्या फर्क पड़ता है. शम्मी कपूर होते कोई भी हो अपने को फर्क पड़ता है तो देखना है. और टाइस्टफ का सर्च दे देते हैं. जैसे टाइस्टफ का याहू का सर्च दे रहे तो कई बार डिपेंड्स कुछ पर्टिकुलर ऐसी टाइस्ट दे रहे तो कुछ कंपनी फॉरन इंडियन की कंपनी तो बहुत कम दिखाई फॉरन की बहुत सारी कंपनी दिखाई. बोले सर देखो इतनी सारी कंपनी आपकी नहीं है आपकी आप करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा. आप समझे सर दिस इज व्हाट वी यूज टू टेल देम क्योंकि कोई नहीं होता अगर कहीं पर कोई कंपनी नहीं होती. सर देखो कोई नहीं आप कर लो तो आपका नंबर आ जाएगा. सुनो यू हैव ऑलवेज टॉट देम क्योंकि इनिशियली हमको भी आ रही है तो सर कोई कंपनी नहीं है तो बोलेगा कोई नहीं तो मैं क्यों हूँ. तो वी यूज टू टैकल इट दिस से सर कोई नहीं आ जाओ आपका नंबर पहला हो जाएगा. सुनो दीज आर द थिंग्स व्हाट यू टू ऑलवेज कन्वर्ट योर ये मेरा एक अच्छा फेवरेट एग्जाम्पल है. ऑलवेज कन्वर्ट योर वीकनेस इन टू स्ट्रेंथ्स. और ये एग्जाम्पल भी मैंने फील्ड में ही सीखा था. एक बार जा रहे थे तो अपने यू नो रास्ते में वो लोग डब्बे बाटली बेचने वाले आते देखा है. अभी कोई कैब क्रिसमस की कैब भी बेची बीच में किसी ने सब इस टाइप की चीजें बेचती है ना आइडिया ना. तो एक आदमी कैमरा बेच रहा था तो बोला कि बहुत अच्छा कैमरा है एकदम नेचुरल फोटो पड़ेंगे. इसमें अच्छा है ठीक है तो बोलता है अच्छा होगा नेचुरल फोटो पड़ेंगे क्या बोला फ्लैश नहीं इसलिए अंधेरे में भी नेचुरल पड़ेंगे. सो ही वाज लर्निंग हिज वीकनेसेस इन स्ट्रेंथ. दिस इज द थिंग व्हिच आई लर्न्ड कि आवर स्ट्रेंथ्स आर वीकनेस और स्ट्रेंथ मतलब व्हाट अदर पॉइंट. जब हम वेबसाइट पे से जाते थे पीपल को वेबसाइट तो बहुत दूर की बात है. वेब पेज का थोड़ा ज्ञान था तो बोले मैम हमें तो वेब पेज चाहिए. और मैं बोलू सर वो फिर बोले वेब पेज और वेबसाइट का फर्क क्या सिंपल यार. तो हम सभी में लोट भी कीप इट सिंपल स्टूपिड वाला फंडा था. ये तो कीप इट सिंपल किस तो बाद में सीखे कीप इट सिंपल. पहले हम यही बोलते थे कि सर एक काम कीजिए आप क्या कहते हैं वेब पेज यानी फ्लैट में रहते हो और वेबसाइट यानी बंगलों में रहते हो. सर आपको बंगलों में रहना हाँ बंगलों में रहना अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वी वेर वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनीज इन वेबसाइट ठीक है. एनी कमेंट्स हमसे भी शेयर करो हम भी सीखेंगे. मैंने एक बात जितनी को क्लियर किया मैं शेयर करना है और सीखना है. अभी तो बस बस बहुत चेंज हो गया इसलिए हम नहीं बात करते ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करते हैं. सुखी हुआ यू डू नॉट ऑलवेज कीप अप वन थिंग ऑफ सिक्स सेंस की बात करते बोला आवे ना आवे गया जाएगा दबाएगा. अभी इंप्रेस करो ना कस्टमर को क्योंकि अल्टीमेटली एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू. अगर आज मैं अगर किसी कस्टमर के सामने बैठी हूँ और अगर मैं उसको दो ज्ञान दी ई कॉमर्स का ज्ञान बना देते अभी इसका ज्ञान बढ़ाते क्या करेंगे आप ऐसे हो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का ज्ञान है. मैं अभी एक कस्टमर का ज्ञान बढ़ा के आई हूँ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन. मैं तू फेमिना में फॉर देता है उसे सही करते ना अल्टीमेटली बहुत कंपेयर करते हैं. सो कमिंग बैक टू व्हाट आई ट्राइड टू डू ऑलवेज गिव समथिंग मोर टू आवर कस्टमर एंड ही एक्सपेक्ट्स दैट फ्रॉम ठीक है. इनके पास एक्सपेक्ट करते ना आपको मिनरल वाटर सब एक्सपेक्ट करते हैं आपके पास actually I was just with it so I don't know but you are that wonderful person no I like to meet you with our project for us. I'm working on some project for village rurals and water bottled drinking water. Thank you. Coming back to this was the little brief news for us. Then I shifted to websites mein kya hua aero gero netto gero sab aa gaye aur cheap ke paise liye cheap ke kamaya sabko khilaya you ultimately my funda is very clear like agar apne ko milta to dusron ko nahi kya karoge अपने को मिलता है तो मैं बहुत क्लियर हूँ मैं कोई सेवा की उम्र में नहीं हूँ. सिंपल है अगर मेरे को मिलेगा तो मैं दूंगी. मैं मेरा पेट काट के नहीं दूँ. सिंपल है बैठा मेरे आदमी को भी बोलते थे भैया तेरे को खिलाने का है यू नो एक्सपेक्ट मैं तुझे खिलाऊंगी क्योंकि जिस दिन वो आदमी सोचेगा कि मुझे उसको खिलाना है वो काफी करेगा तो फिर मैं तू रखू उसको मैं खुद ना करूँ. सिंपल. सो आई वुड ऑलवेज लाइक टू से कि यू शुड हैव योर कोर टीम स्ट्रांग व्हिच एवरीबॉडी सेज दैट. अब हाँ एक ढूंढो दस एक जमाने में एक पेज के 5000 रुपए लेती थी. 5 पेज की वेबसाइट 25000 रुपए हुए और एक पेज फिर वेब फॉर्म एक पेज कॉन्टेंट बस जो टेक्निकल समझ जाए क्या करना होता है कुछ नहीं बराबर है 5000 ही उसने तो पैसे तो कमा लिए हमने और पार्ट टाइम से फिर सबको वो हाई चढ़ी किसकी बताए वो पोर्टल बनाने की. ओके साइट है तो वो कौन सी साइट 500 करोड़ का बिकी थी
$500 तो सब लोगों को एकदम हाई चढ़ के हम भी $500 बनाएंगे, हम भी बेचेंगे। हाँ मैं तो चांदी चांदी हूँ क्या डोमेन ने दोस्ती यारी डॉट कॉम दोस्ती डॉट कॉम ये वो क्या सब साइट है कि डोमेन बुक किया क्या मजा किया हमने, हमको भी पता था साइट से 500 करोड़ में बिकने वाली है मजा के यार। और वो 500 करोड़ की साइट जो बिकी ना उसका टर्नओवर 1 करोड़ था पता है तुमको, और वो भी पता है कि वो सत्यम सिप्पी चोर ने खरीदी थी, वो तो बाद में पता चला चोरी चोरी वाली बात, तो वो तो सिप्पी की चोरी सुनी थी ना, सिप्पी नहीं सत्यम की चोरी सुनी ना, मेरे को तो डिप्रेशन आ गया कि मैं नहीं कर पाऊँ आपसे कभी नहीं पाएंगे करना नहीं है, वो चोर ने खरीद लिया टू प्लस टू फोर पता चला 1 करोड़ की कंपनी तुम 500 करोड़ में खरीदते हो, बेवकूफी बनाने वाली बात है सॉरी आई यूज लाइन क्योंकि मैं उसमें फायदा होता हूँ, क्या बनाते हैं अपने को अपने से बेवकूफी बना आज अपने वो क्या कह सकते हैं पॉलिटिशियन बताया नहीं था ना करप्शन बोलो वो सब दूसरी स्टोरी है साहब, अब लाइन आप उसके पीछे काम करो साहब, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो जागृति करो अच्छा कर रहे हो, बट ये बेचारे लोगों को 2 रुपए 5 रुपए अच्छा है यार ये तो मैं तो उनमें से ये तो पैसा है, लेकिन जो करप्ट है जो अपने देश को करप्ट कर रहा है उसकी जान खाओ ना यार, एंड पीपल लाइक यू कैन डू इट बिकॉज यू हैव द एटीट्यूड, मेरे को तो पैसा कौन है एटीट्यूड ना, तो मैं तो नहीं पा रही हूँ और इतने सारे काम हुआ इतने लोग कितना 1 करोड़ ट्विटर वाले यार ट्विटर से कुछ नहीं होना वाला ट्वीट करने से, ट्वीट करने से तो कभी नहीं होने वाला है, तो मैं 10 ट्वीट कर दूं मैं 10 लोग लगा दूं इतना तो फाइनेंशियल इतना 10 लोग लगा चलो कभी काम लेना होता है आपने 2 दिन बोला था मैं 2 दिन खा ली था बट मेरा काम ले लिया राइट कैसे करप्शन वाला तो वो 500 रुपए वाला पेज भी आप 500 रुपए हो गया पर पेज, तो अपने को तो परवाह नहीं, अपने को ये बिजनेस मेरे काम का नहीं है क्योंकि यू नो वो मलाई खाने के बाद यू नो वो क्या मिलता है मलाई खाने के बाद वो क्या डाउन सिल्वर मिलता है ना, तो यू डोंट लाइक इट यू डोंट एंजॉय सो देन अ लॉजिकल दिस थिंग वाज गोइंग फॉर आईएसटी ठीक है एक्सपेंशन बोलो तो आप लोगों को एक्सपेंशन बोलो या तो देन आई स्टार्टेड आईएसटी बिजनेस नॉट द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ दिस बिजनेस वाज अगेन सी आई ऑलवेज बिलीव दैट आई वांट टू गेट टू कंसेप्चुअल लेवल बिजनेस व्हिच इज लिटिल बिट अहेड ऑफ टाइम, उससे फायदा क्या है नुकसान नहीं क्या है, अहेड ऑफ टाइम होता है लोगों को समझ नहीं पड़ता है उससे कई बार ऑर्डर पे मिलते हैं नुकसान होता है कि समझ नहीं पड़ता ऑर्डर नहीं सो इट डिपेंड्स हाउ यू वांट टू करो सो वी अदर वांटेड टू ड्रॉ अ बायिंग एक्चुअली बेसिकली आवर पोस्ट एंड द कंपनी इज गियर मोर इनटू टेक्नोलॉजी आई थिंक यू नॉट डोंट बिलीव बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी तो व्हाट वी डिड वाज वी सेड कि नाउ हम लोग को आईएसटी बनना है और बिकॉज़ द लाइसेंस ओपन्ड अप इन 1999 सो वी गॉट द गुजरात का लाइसेंस लिया हमारे गुजरात का एज अ ब्रॉडबैंड आईएसटी, हम ब्रॉडबैंड यार क्या लिया अभी पता है उस वक्त लोगों को नहीं पता था इंटरनेट आया केबल तब लोगों को पता चलता था कि ब्रॉडबैंड यानी सर जिस तरह केबल टीवी आता है ना आपके उस तरह इंटरनेट आपके घर आएगा अच्छा ऐसा भी होता है हाँ सर फिर वो यू नो यू यू टेल के भाई ये क्या कहते हैं आपको टेलीफोन नहीं किए ये नहीं किए वो नहीं किए पैसा बचेगा मोस्ट मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ दिस बिजनेस वॉज की टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी वॉज नेवर इन प्लेस वी वर्क ऑन द लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी आईटी वाले लोग कितने यहाँ पे सब लोगों की लोकल एरिया नेटवर्क की टेक्नोलॉजी थी आपको पता है 100 मीटर से ज्यादा नहीं चलता है लैंड वी मेड इट रन फॉर 10 किलोमीटर्स विदाउट कॉस्टली इक्विपमेंट लाइक कॉस्टली राउटर्स और स्विचेस वी मेड इट रन ऑन एक्टिव एंड पैसिव मेजरली वी यूज पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स एक्टिव स्विचेस बहुत महंगी थी 50,000 लाख रुपए की स्विच अगर बिल्डिंग पे थोड़ी लगाने जाओगी तो भाव 2,000 रुपए का आता था तो यू नो यूजिंग पैसिव एंड विदाउट जुगाड़ निकल जाओ उनको जुगाड़ ठीक है तो जुगाड़ करके हम लोगों ने बिजनेस चलाया इस बिजनेस में भी काफी चैलेंजेस आए अभी चुका है तो मेजर चैलेंज वी गॉट इन दिस बिजनेस वॉज टेक्नोलॉजी विच वॉज इन टर्म्स ऑफ दैट लाइक सिंपल एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग
दूसरे लोग थे कंप्यूटर हार्डवेयर वाले. सो दिस वॉज माई टीम. सो वट आई वॉन्ट टू ट्राई टू रिस्पेक्ट ऑल द पीपल टू स्टडी एफ सी एस सी जो मार्क तक दो दो लाख के कोर्सेज करके आए थे. वो लड़के मेरे को पसंद नहीं थे क्योंकि उनका एक माइंड सेट था यार ये तो 2:2:3:5 अब चले नहीं. इसके फंडा था उसका 2:2:3:5 के आगे चल नहीं सकता. ये तो चलेगा ही नहीं. अरे यार मैं बोल रहा तो चुप बैठना यार. हम चलाते तो चलाना देना भाई. तो ये हार्डवेयर वाला बंदा चला देता यार. ये जो मेरा एचटीएमएल वाला लड़का था ना उसको मैंने बोला तू लिनक्स चालू कर सीखना. और लिनक्स इसलिए हमने चालू किया सीखना क्योंकि वी डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर अ पायरेटेड सॉफ्टवेयर. पायरेटेड सॉफ्टवेयर पर कौन सा विंडोज एनवी ठीक है. इट वॉज अगेन सवाल बिजनेस निकल रहा है. इतना आईएसपी का तुम बिजनेस कर रहे हो और तुम पायरेसी पे थोड़ा काम कर सकते हो. सो व्हाट आई सेड कि नहीं हम तो लाइनस पे काम करके लाइनस पे बंदो एक बंदा एक टीम लाइनस पे काम चालू कर दिया और एक टीम ने ये सब आइडिया सबसे पहले उन्होंने वटवा से चालू किया क्योंकि देयर वाज द मोस्ट चैलेंजिंग टेरेन फॉर अस. द चैलेंजिंग टेरेन वाज कि जो हम केबल्स लेयर करने के लिए बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि इलेक्ट्रिक केबल्स चलते थे. और जो चैलेंजिंग है वो डिस्टेंस का वर्क है. यहाँ पे एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में 200-250 मीटर का जंप होता है. वहाँ पे एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में कम से कम 700 मीटर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होता था. दूर पर चैलेंजिंग थिंग्स है. सो सेकंड व्हाट इम्पोर्टेंट थिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस इज दैट कि जब भी बिजनेस करो बहुत ज्यादा नहीं सोचो. प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो कभी नहीं करा थी क्योंकि मैंने ये देखा मैंने जितने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए छोटे मोटे तो मैंने वो बिजनेस किया नहीं. सीरियसली क्योंकि वो तो समझ ही ना पड़े क्योंकि जिनमें तो अपने इसी से पैसा लेना बनाना है वाला स्टोरी है. और आप खुद के पैसे डालने हो तो तुम एक्सेल शीट देखोगे तो तुम खुद हंसोगे यार. और जैसे कि सिंपल है तुम सोचोगे यार मैं आश्रम रोड पे तो 1000 कस्टमर तो ऐसे करूंगी. समय नहीं होते मजाक है क्या. 10 होते हाँ ये बढ़िया 10 हुए आत्मा हाउस पे हमारे यहाँ सब केबल जा रहे थे अभी भी याद है परमिशन ये वो केबल ऑपरेटर यू नो अदर चैनल्स बट यू बी सरप्राइज मेरे बिजनेस में कई लोगों को लगता है सर केबल ऑपरेटर हम कैन डील विद दैट. आई सेड देयर आर द मोस्ट इजी पीपल फॉर मी टू डील विद क्योंकि क्या है इनफैक्ट केबल ऑपरेटर से डील करने का बहन आया बहन आया दे वुड रिस्पेक्ट अस मोर ठीक है. वो पीपल केबल ऑपरेटर और एसोसिएशन वाला वो ब्लू व्हाइट कॉलर थग्स व्हाइट कॉलर थग्स इतना मैं वर्ड यूज करूँ एसोसिएशन वाले को कि हमें तो मैं सेवा करिए थी हमारा एसोसिएशन वाले करके बैठ जाओ जो चिपना चालू करके 3000 का रेंट दो 4000 का रेंट दो फिर मजा है क्या. सर तेरे यहाँ एक कनेक्शन में 4000 का रेंट दूंगी क्या तेरे को महीने यानी साल के 48,000 रूपए और एक कनेक्शन मेरी 2000 रूपए का भी हो महीने का तो मेरे को कितने पहले 24,000 रूपए के सामने 48,000 में निकाल दी. सो दे वर बेसिकली व्हाइट कॉलर थग्स. मैं तुमको चौखा बोलती कि आप एसोसिएशन नाम के झंडे काटते हो और लूट मार के धंधे करते हो तो उसके सामने केबल ऑपरेटर तो मोस्ट इजी टू डील क्योंकि उनको समझाया जाता था. तो इनफैक्ट दे वुड हेल्प अस टू गेट कनेक्शन टू गेट कनेक्शन टू गेट दिस थिंग लाइक. सो कई बार बिजनेस में आप सोच लेना कि मैंने स्टार्टअप बिजनेस आपको कई बार ऐसे तो कर ये मेरा मेजर प्रॉब्लम होने वाला है ये मेजर प्रॉब्लम होने वाला है ऐसा नहीं होता है. जो आप एनालिसिस नहीं करते हो ना वो होता है. सो यू हैव टू बी ऑलवेज रेडी फॉर दैट. दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस गेट योर कंसर्न्स फंडास वेरी क्लियरली लाइक. अगर आप सोचोगे कि मैं एकदम मस्त स्ट्रेटेजी करूंगा एकदम मस्त प्लान करूंगा अरे तो क्या है एग्जीक्यूट करना प्लान और स्ट्रेटेजी करना तो यहाँ बैठे बैठे तो सबको आता है. मैं भी कर सकती हूँ प्लान और स्ट्रेटेजी. कितने टाइम लगता है ड्रीम बिग तो मैं भी आपको ड्रीम बिग आप बोलो स्मॉल आई एम नॉट फॉर स्मॉल क्या ड्रीम बिग सर ड्रीम बिग कसम से पूछ लेना एक सबको ओके लेकर बड़े आदमियों को सारा तुमने ड्रीम बिग किया था वो ड्रीम बिग नहीं किया तो हो गया बाद में बोला ड्रीम बिग सही में नहीं एक्साइटमेंट यार वो नहीं हकीकत है यार. तो कभी मैं ड्रीम बिग मत करो मैं तो बोलो ड्रीम स्मॉल करो. अरे ड्रीम मत करो बिग करो नहीं सीरियसली क्योंकि अगर तुम ड्रीम करोगे तो कई बार नहीं भी होते क्योंकि तुम उसको ड्रीम समझ लेते. बट आई फर्मली बिलीव कि स्मॉल करो और कुछ भी हो चालू करो चालू स्टार्टेड आइडिया पीपल कुछ भी हो तेरा आइडिया बेस्ट और कैसा लगा मेरा आइडिया. मैंने कहा तेरा आइडिया जो होगा तू फील्ड में जाएगा ना अपने आप पता चल जाएगा. और अगर वो पता चलता है और उसके बाद में उसको चेंज कर दैट इज योर बिजनेस इन वर्क. नहीं यार मैंने तो अगर नेट चैनल में सोचती थी कि नहीं मैं तो मल्टीमीडिया का ही बिजनेस करूंगी जब उसने आदमी ने नाम बोला तो मैं क्या करूंगी करके मैं बैठ जाऊंगी तो बिजनेस होने वाला है नहीं होने वाला है ना. इसलिए अल्टीमेटली यू हैव टू योरसेल्फ टेक थिंग्स इन योर हैंड एंड डू इट एंड इफ यू फेल माय फेवरेट लाइन इज फेलियर इज फर्टिलाइजर फॉर सक्सेस. कई लोगों को चिंता आती है सबसे बड़ा वो क्या कहेंगे लोग ठीक है. आई कम फ्रॉम द अदर स्कूल ऑफ